हम यहाँ पे सब आईटी में काम करते हैं एंड वी आर ऑल कम ऑन मोस्टली फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स राइट यस बट रेस्ट ऑफ देम चोज लाइफ व्हाटएवर दैट इज नाउ द थिंग इज अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिक्स अराउंड 80% ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल विच इज सरप्राइजिंग फॉर अस दैट वी स्टिल हैव अ जॉब सो बट दैट स्टैटिस्टिक्स इज नॉट एज सरप्राइजिंग बिकॉज हमारे देश में ऐसा रिवाज है हर चीज में कि किसी भी चीज के लिए आपको एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं लैक ऑफ एक्सपीरियंस या कॉम्पिटेंस की जरूरत नहीं होती कोई भी यही खासियत हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशन की जो लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं वो कानून बना लेते हैं एग्जैक्टली आपको क्रिकेट आता हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता पप्पा का वर्ड है चला लेंगे BCSAI So similarly, continuing with this great Indian tradition of not letting incompetence and my lack of experience coming in the way, today I will present a simple presentation on gender difference, relationships and dating. Men and women are so different. Sometimes I wonder how we both belong to the same species at all. तो लड़कों का हमेशा कंप्लेंट रहता है औरतों के बारे में कि यार औरतें ज़रा सोचती बहुत है हर चीज में टाइम बहुत लगाती है सोचती बहुत है डिटेल में बहुत जाती है इतना क्यों सोचते हैं काम क्यों नहीं करते स्पेसिफिक है या एग्जैक्टली बट द थिंग इज डू यू गाइस रियलाइज लड़कियों के पास कितने ऑप्शंस रहते हैं हर चीज के लिए सोसाइटी ऐसे डिजाइन की गई है कि लड़कियों को हर चीज के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए सर जैसे कपड़ों को ले लीजिए आपको पता है लड़कियों के कपड़ों में कितने ऑप्शंस होते हैं लड़कों के नाम कितने सुने रहेंगे अलाइन टेंट कोक एलबीडी कॉर्सेट फिर क्या रहता है ये डिंगरीज मैक्सी ड्रेस इंडियन में आ जाएगा साड़ी फिर चूड़ीदार सलवार कमीज उसमें भी चूड़ीदार पटियाला अनारकली अजकर फुल स्लीव हाफ स्लीव ऑफ शोल्डर गूगल स्टैप स्टैपलेस प्लाजो हाई वेस्ट लो वेस्ट प्लाजो और कुछ नहीं किसी ने मेहनत ही नहीं की लड़कों के लिए डिफरेंस वैरायटी बनाने के लिए इनको भी पता है ये लोग कौन सा मेहनत करने वाले खर्चा करने के लिए बेच दो एक ही मान बना बना के इसलिए लड़कों को वैरायटी चाहिए रहती है लेकिन कोई बोलता नहीं है आपको क्यों लगता है रणवीर सिंह स्कर्ट करके क्यों घूमता रहता है पर इसका ये प्रॉब्लम हमारे पूर्वजों ने समझ ली थी इसलिए उन्होंने एशियन वेदिक टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें बहुत सिंपल इफेक्टिव और मल्टीपर्पज मटेरियल बनाया था चलता फिरता मोबाइल एसी वही लूंगी लूंगी इज वेरी सिंपल जीनियस इंटेंशन कैजुअल फॉर्मल एनवायरमेंट लिए सब चल जाता है फॉर्मल के लिए पूरा पहन लो और इनफॉर्मल काम हुआ तो निकल जाओ कोयता लेके थिंग इज लड़कियों का ये डिफरेंस है कि वो हर चीज में अगर जब भी सामने से निकलती है तो बाहर छोटे से काम के लिए तैयार होकर निकलती है थोड़ा सा टचअप करके बाल बना के निकलती है हम लड़कों की तरह नहीं की क्या चलो सुबह उठे बाल उबाया तो वासी ली चलो निकल के दुनिया जीतने यहाँ पे डिफरेंस देख लो आज शाम को इस इवनिंग के लिए लड़के कितने टचअप में तैयार हो गया ये तैयार हो गया मैं तो कंफ्यूज हो गया मैं गलत रूम में नहीं चला गया फिर मैंने लड़कों को देखा बोला कि नहीं सही रूम है ऐसा यही डिफरेंस हमारे रिलेशनशिप्स और डेटिंग में भी एक्सपैंड होता है तो लड़के हमेशा कंफ्यूज रहते यार पट नहीं रही क्यों नहीं पट रही मैंने दिल की बात बोली भी नहीं फिर भी क्यों नहीं पट रही लड़के हमेशा कंफ्यूज रहते कि यार मेरे में लुक्स नहीं मेरे बॉडी नहीं मेरे कॉन्फिडेंस नहीं पैसा नहीं है तो दिल बहुत अच्छा फिर भी क्यों नहीं पट रही अरे साल वही तो प्रॉब्लम है दिल सबका अच्छा होता है ठरक के आगे सबका दिल अच्छा हो जाता है ठरक जाती है तो लड़कियां स्टोरी स्ट्रैटेजिक होती है
स्ट्रेटजी बोलते हैं, उनको इतना सिंपल नहीं चाहिए. दे वांट वेरी सिंपल काइंड सेंसिटिव जेंटलमैन काइंड ऑफ पर्सन. एम आई राइट वुमन? राइट ट्रू. और गर्ल एंड बॉयज आप सबको पता है ये सब बोलने की बात, ऐसा कुछ वास्तविक से कोई संबंध नहीं है इसका. ट्रू. बिकॉज सी इट इज नॉट लाइक कि लड़की को हम लड़कों गधे का ऑप्शन क्यों चूज करते हैं यार. हम भी मेरा बाप मुझे गधा बोलता है, मैं कि मेरे में क्या कमी रहेगी. द थिंग इज गर्ल्स लुक द गाइस इन अ पर्टिकुलर रेंज. द आइडर ड्रोम अ टू इडियट एंड आइडर टू जेंटलमैन ऑल्सो. देयर इज अ लिटिल गोल्डिलॉक्स जोन आल्सो नोन एज फक बॉय जोन. ओके सो दे अप्रोच बॉयज लाइक अ मैकेनिक. दे लाइक समथिंग जो ठीक ठाक फन मिस्टीवियस आल्सो लिटिल बिट डैमेज्ड. Girls have a thing that, yeah, I want to change him. जैसे mechanic, mechanic को सीधे से ठीक ठाक गाड़ी दोगे क्या करेगा? Okay. So that's why women like कि हाँ, I can fix him, I can change him. Right, women, you can change him. उसने 5 साल से अपना DP change नहीं किया है. तुम उसकी मुस्की therapist क्यों बन रही हो? Exactly. Girls it's comfortable. Right? इतना भी ज्यादा नहीं हो रहा. हाँ अभी तक नहीं. कंफर्म करना पड़ता है, कंफर्म करना पड़ता है. क्योंकि बॉयज का सिंपल है, इनको गुस्सा आ गया दारू पी के मार डालेंगे सुबह पीठ में, और अगले सुबह उठे बोले वो भाई क्या हो गया तेरे को, किसने किया? वाह माता को. गर्ल्स आर बिट अनप्रेडिक्टेबल. वो वीडियो निकालेंगे और इट्स फनी फनी फिर ट्विटर पे डाल लेंगे. ओह माय दिस कॉमेडियन वाज हियर, ही इज सो मिसोजिनिस्ट. Hashtag cancel this बात. कैंसल का पता है ना, कैंसल कल्चर. कितने को नहीं पता कैंसल कल्चर, हाथ उठाओ जरा. बहुत लोगों ने पता, सारे लड़के ही हैं, इनको कुछ पता नहीं. तो कैंसल कल्चर बता दो क्या होता है. आप सबने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, उसमें पोपटलाल रहता है. पोपटलाल जो कि गोकुलधाम सोसाइटी मस्त प्लान बनाते हैं, पोपटलाल का कैंसल कैंसल. हाँ वही है कैंसल कल्चर. गूगल मत करना, यही है. कोई कुछ और बोले तो उसको कैंसिल कर देना. अब हमारा रिलेशनशिप का जो डिफरेंस है, ये रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेज पे जाता है. व्हाट इज द नेक्स्ट रिलेशनशिप? क्या था? ब्रेकअप. हाँ लगा ही था, कोई ना कोई बोलेगा. इसी का वेट कर रहा था. कोई ना कोई रहता है भाई. रिलेशनशिप के बाद क्या ब्रेकअप, शादी के बाद क्या डिवोर्स, पहला क्यों हुआ है मरने के लिए. सो कन्वेंशनली फॉर सेफ से रिलेशन के लिए अगला स्टेप शादी रखो अपने लाइफ में, फिर सिंपल जाएगी. अब शादी में ऑब्वियसली हमारी कंट्री में दो टाइप्स के होते हैं, लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज. वो क्लीशे है, लव मैरिज सिंपल रहता है, दो लोग प्यार करते हैं, उनके माँ बाप नहीं मारते फॉर सम इडियट रीजंस लाइक कास्ट रिलीजन. फिर दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेते कि एक पार्टी थोड़ी ज्यादा मालदार होती है, दहेज मिलेगा तो. अब अरेंज मैरिज भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, उसमें दो टाइप के सब टाइप्स होते हैं. एक जो पहली पार्टी जो अरेंज मैरिज करती है, दे आर लाइक समथिंग लाइक कि जो जिंदगी से थक चुके हैं, दौड़ते भागते अपना कटते कटाते थक चुके तो टायर्ड है. उनका यही होता है कि उनका यही फिलोसफी होती है, तूफानी समुंदर में मिल जाए इस कश्ती को साफ किनारा, आई बाबा माजी सेटिंग कराना. तो ये लोग फिर उनकी शादी होती है. दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो मोस्टली इधर बैठे हैं और ऑप्शन ही गए हमारे पास. पर दूसरे टाइप का एडवांटेज होता है, इन लोगों का भी डिवोर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से कभी नहीं होगा. क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए अफेयर के लिए भी एफर्ट चाहिए होता है, थोड़ा गेम चाहिए होता है. और अगर उतना होता एफर्ट और स्किल होता तो उसे भाई बाबा सेटिंग क्यों करवाते हैं. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज हर चीज सीखनी जरूरी नहीं होती. हम बोलते हैं जो अपस्किल करो, जॉब भी लर्न मोर स्किल्स, अपस्किल योरसेल्फ, दैट इज ओके फॉर जॉब एंड करियर. लाइफ के हर स्टेज में हर चीज सीखनी जरूरी नहीं होती, तो बहुत रिलेशंस बच जाते हैं. और फिर आ गया एक पार्टी सच्चा प्यार का कॉन्सेप्ट. सच्चा प्यार में सब बिलीव करते हैं? तो सच्चा प्यार का चीज है, कभी यंग लोगों से मत पूछना.
बहुत गुजर, बहुत तूफान गुजर। लगता सब लोग बहुत तूफानों से गुजर चुके हैं। तो सच्चा प्यार की चीज है, कभी यंग लोगों से मत पूछना, एकदम कॉलेज ग्रेजुएट से जो उनको पूछना है इस एग्जैक्टली लाइक छोटे बच्चों को करियर के बारे में पूछना। छोटे बच्चे करियर में बोल देते क्या बनना चाहते हो, बच्चा बोल देगा इंजीनियर, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट, पायलट, आजकल है फिर यूट्यूबर, स्टार्टअप खोलूंगा, इन्फ्लुएंसर, वे बोलेगा वेंचर कैपिटलिस्ट बनने से स्टार्टअप में पैसा डालूंगा। तो सच्चा जब यंग लोगों को सच्चा प्यार के बारे में पूछते हो इनका भी यही रिएक्शन रहता है कि सच्चा प्यार क्या होता है, तो सहम जाते हैं भाई सच्चा प्यार वो होता है, सच्चा प्यार वो होता है जिसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड होता है, सच्चा प्यार वो होता है जिसे किसी और के साथ शादी हो जाए, सच्चा प्यार वो होता है जो तुम्हें सामने से ब्लॉक कर दे। भाई समझ गए बट वॉट एवर स्टेज योर लाइफ इन रिलेशनशिप इज अरेंज मैरिज, लव मैरिज, सच्चा प्यार, वॉट एवर, 20 साल के बाद सब लोग सेम स्टेज पे जाते हैं। 20 साल के बाद मियां बीवी संडे शाम को सोफा पर बैठे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, भाई बस कर रहे हैं मेरी भाई टाइम पे पीने का नहीं इसलिए अभिषेक शादी के किसी भी टाइप की शादी के 20-25 साल के बाद मियां बीवी एक साथ बैठे रहते हैं सोफा पे, एक सोफा पे शाम को टीवी पे कुछ चल रहा होता है, कुछ तो चल रहा होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता व्हाट, बिकॉज के बाद टीवी का काम बस बैकग्राउंड म्यूजिक देना होता है और कुछ नहीं। शाम का सूरज ढल रहा होता है, बीवी देखती है बाहर, हाँ शाम हो चुकी है, वो मियां को पूछती है आप चाय पियोगे, पति भी बोलता है हाँ थोड़ी बना दो, दूध खत्म हो गया है आपको जाके लाना पड़ेगा, ठीक है पैसे दे दो, पैसे तो आपके पर्स में होते हैं ना, हाँ मेरा पर्स कहाँ है, पर्स तो आपके पैंट में है ना, उसने बाहर की दुनिया देखी किधर है, वॉशिंग मशीन में देखी वापस है, वहां से 2000 का नोट में सुखा देती हूँ फिर, हाँ मेरी पैंट किधर है, काम करते मैं बिना चाय दूध की चाय बना लेती हूँ, पी लोगे, दीपक तुझे कौन सी चाय पसंद है, सचिन बहुत खुश है जोक्स से, बहुत से शाम में बिना दूध वाली चाय पी, क्या करना है कैसे करना है किधर से जाना है, तो आज से जैसे ट्रिप में भी हम आ रहे थे तो आई श्योर गर्ल्स ने सबने प्लान किया रहता है 2-3 दिन पहले से, एटलीस्ट 1 हफ्ते पहले से ये ओके तो सुबह इतने बजे उठना ये सब कपड़े पैक करने हैं, इस टाइम पे पहुंचना है, ये वाला रास्ते से नहीं जाऊंगी उस वाले रास्ते से जाऊंगी, यहाँ पे ओढ़ने वाला ताड़ता रहता है, इस वाले में कोई गाड़ी आएगी यहाँ पे हमको रीच करना है, ऑल दैट। और बॉयज का इधर पे कॉल करो, हाँ भाई किधर है, हाँ भाई किधर है, अरे मैं निकल रहा हूँ, अरे तो निकला नहीं क्या अब तक, अरे पहुंचना कभी है, अरे बोला तो 10 को, अरे पर 11 बोल रहा था वो, अरे पर 12 को आ रहा था ना, हम लोग बस सुबह उठते हैं दोपहर की नींद पूरी करते हैं, सोचते हैं कि क्या करना है और प्लान बना लेते हैं, सुबह उठते दोपहर से, और भाई अमित नोटबंदी करेगा
हाँ भाई करते ना बनता है, करते ना 500,000 पूरा. But thing is, we both have our pros and cons. Yeah, both have our pros and cons. So that's a corporate. We are in any organization. We need equal representation of both the groups, because one group has an expertise in thinking in detail what to do, how to do, in what will affect whom, what decision will affect whom. And another group can guide us. Okay, at one point we need to stop thinking and start doing and start executing. Yeah. पर इस हम कॉर्पोरेट में थर्ड ग्रुप की भी जरूरत होती है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो भी आपने सोचा समझा किया नहीं चला तो उस पर किसी पे तो ब्लेम डालना है ना. इट्स सिंपल रूल, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग दे कैच द फर्स्ट गाय हु सेज यस, एंड इफ यू आर द फर्स्ट गाय प्लीज एंश्योर यू ऑलरेडी नोटिस पीरियड बिकॉज़ समवन ग्रैब्स योर हेड. सो या थैंक यू एवरीवन फॉर थैंक्स फॉर नाउ.